नेशनल फर्टिलाइजर मजदूर संघर्ष समिति के तत्वाधान में 18 जनवरी से पुनः बेमियादी धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। बता दें कि 11 जनवरी को नेशनल फर्टिलाइजर के सहायक मुख्य प्रबंधक डीएस तोमर ने प्रबंधन की ओर से आश्वासन दिया था कि 3 दिनों में बातचीत के माध्यम से जबरन हटाए गए 97 मजदूरों को काम पर बहाल करने की कोशिश की जाएगी, किंतु प्रबंधन की तरफ से कोई कारगर पहल नहीं की गई, जिसके चलते नेशनल फर्टिलाइजर मजदूर संघर्ष समिति के द्वारा आज राधोगढ़ में बैठक कर 18 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। नेशनल फर्टिलाइजर का जो पालका बाजार का गेट है, मेन गेट है, वहाँ पे बड़े पैमाने पर धरना देने जा रहे हैं। अभी 11 जनवरी को जो धरना आंदोलन हुआ था, वहाँ एनएफएल के प्रबंधक मिस्टर सहायक प्रबंधक कोई देवेंद्र सिंह तोमर आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 7 दिन के अंदर निपटारा करेंगे। कल 7 दिन पूरे हो रहे हैं, परसों हम फिर वहाँ धरना देने जा रहे हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई शांतिप्रिय वातावरण, शांतिप्रिय बातचीत का कोई हल निकालने का कोई संदेश नहीं आया है। हमने यहाँ परमिशन भी ली है और पालका बाजार का मेन गेट हम बंद करके रखेंगे। जब तक इन लोगों को ड्यूटी पर नहीं लिया जाता है, जब तक काम पर नहीं लिया जाता है, जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे।